किसी के कुछ दिन के लिए दूर जाने का असली गम क्या होता है, ये आज मैंने पहली बार फील किया। वैसे तो इरम भी कई बार अपने घर गई थी, मम्मी पापा भी आके कई बार गए, पर आज जो गम हुआ है ना, ये आज से पहले कभी नहीं हुआ। तो बात ये है कि इरम अपने घर जा रही थी, वो जाती तो जाती, उससे तो इतना कोई दुख नहीं होता, लेकिन गम की बात यह है कि हमारी प्रिंसेस भी उनके साथ जा रही है। वैसे तो मुझे इसे भेजने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि एक महीने के अंदर ही हम लोगों के अंदर इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है कि ना तो मैं इसके बगैर रह सकता हूँ ना ये मेरे। जाते जाते भी मैंने इरम से बोला कि तुम रुक जाओ, मगर अनजान रस्ते पर अकेला छोड़कर मुझको मेरा तोड़कर उसने ये कहा कि बस एक महीने की तो बात है। और फिर मैं प्रिंसेस को उसके नाना के हवाले कर देता हूँ, उनकी गाड़ी में बिठा देता हूँ, और फिर मैं भी उसी गाड़ी में बैठ जाता हूँ, कुछ देर उससे बातें करता हूँ, और फिर एक वक्त आता है कि हाँ अब तो जाना ही है ना। और जब वो गाड़ी में बैठकर जा रही थी तो सोचो इस टाइम मेरे इमोशंस क्या होंगे।